हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस तरह का जयमाल स्टेज कैसे डेकोरेशन किया जाता है मैं आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाएगा वरना आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है जयमाल स्टेज डेकोरेशन किया गया है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि दोस्तों ये कितने बाई कितने में डेकोरेशन किया गया है और ये क्या क्या लगाकर इसमें डेकोरेशन किया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है 10x8 का जयमाल स्टेज डेकोरेशन किया गया है और इसकी जो है हाइट जो है 10 फीट की है। और देख लीजिए दोस्तों, ये साइड में हम इसको डमरू लगाए गए हैं, रिंग गोल वाली रिंग लगाया गया है, जो डमरू बनाया जाता है वो वाली गोल वाली रिंग लगाकर इसको डेकोरेशन किया गया है। ये राउंडिंग ट्रस लगाया गया है जो 8 फीट का हाफ ट्रस लगाया गया है। और देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे जो है फाइबर की चाबी लगाए गए हैं, 2 चाबी लगाए गए हैं और वाइट और चॉकलेटी में ये डेकोरेशन किया गया है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये ट्रस्ट पे WPC पैनल मार्क लगाया गया है, ये WPC कटिंग आता है वो लगाया गया है। और ऊपर देख लीजिए दोस्तों, ये पैड वाली फूल लगाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों। और ये जो डेकोरेशन आप सभी को कैसा लगा और भी कुछ इस डेकोरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल पर जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बाय, एंजॉय माय वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देख लीजिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए गुड बाय।